व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कृषि क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं तीनों विधेयक। इन विधेयकों का मकसद विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज के बिक्री की अनुमति देना है, साथ ही किसानों को अनुबंध खेती की इजाजत भी देना है। अनाज, दाल, आलू, प्याज और तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करना है। तीनों विधेयकों का मकसद कृषि क्षेत्र का उदारीकरण करना भी है। बेचने की आजादी से किसानों को मिलेगी बेहतर कीमत। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विधेयकों के पारित होने के बाद कहा था कि इससे करोड़ों किसानों को मिलेगी ताकत। मन की बात में भी पीएम मोदी ने एनएसएस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान को पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष इन पुरस्कारों को प्रदान करता है। वर्तमान में एनएसएस के पूरे देश में फैले हुए लगभग 40 लाख स्वयंसेवक हैं। एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करना है। एनएसएस का वैचारिक नीति महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। संदेश दिए गए हैं, आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सार्वजनिक स्थलों, मेट्रो, ऑटो रिक्शा और अन्य सार्वजनिक परिवहनों में पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।